छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अपने स्वर्गीय पिता बिसाहू दास महंत की 42वीं पुण्यतिथि पर कोरबा घंटाघर स्थित स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह सारा कार्यक्रम लॉकडाउन के दौरान हुआ और कार्यस्थल पर लगभग 250 लोग उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष के साथ कोरबा के विधायक जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री विशेष रूप से उपस्थित थे। साथ में कांग्रेसी नेता हाजी इकलाक खान एवं फरियाद अली उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कांग्रेसी नेताओं में होड़ मचा रहा। कुछ पुलिस वाले भी महंत समर्थक नेताओं से चिपकते नजर आए। शायद पुलिस वाले यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा भी मंत्रालय तक पहुँच है। कार्यक्रम के बाद महंत पत्रकारों से चर्चा के दौरान बांगो बांध तथा कोरबा में चल रहे अवैध कोयला चोरी डीजल चोरी को रोकने में पुलिस को सफल बताया। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे वह जमीन घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो या डीजल घोटाला। इस पर महंत ने कहा कि विपक्ष का काम है विरोध में बात करना। DNX TV के लिए कोरबा से दयाशंकर तिवारी की रिपोर्ट। जीवन का उद्देश्य आखिरी सर, सारा गांव के संत उस संत के पद चिन्हों पर आपके साथ साथ पूरे जन जो है चले, उस पर आपके कार्य होंगे। देखिए, ये तो चलने के साथ चलना चाहिए, समाज में काम में इसके लिए संत बनने की इच्छा होनी चाहिए। ये जो संत का रास्ता है वो ईश्वर से जाने का रास्ता है। संत कहीं कर्म करता है, काम करता है, भावना रखता है, रास्ते पर जो करना चाहे कुछ उसके साथ मैं आपको साथ में चलना। सर, जिले में कोयला डीजल कार्रवाई और नमकी राम कुमार का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में ये सब चल रहा है जिले में, क्या कहना है? वैसे ये तुम्हारा पूरा राजनीतिक है और ये सब आप लोगों के सहयोग से चल रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ कि जहाँ आप लोग अगर ठीक ढंग से सक्षम होकर उसका विरोध करने लगोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर रखा हो सरकार कुछ करेगी।